हेलो एवरीवन, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। करंट अफेयर्स की जो सीरीज हम कर रहे हैं, इस सीरीज में आज हमारी 9th क्लास है और इस क्लास में हम इम्पॉर्टेंट डेज देखेंगे। इम्पॉर्टेंट डेज के साथ ही आर्ट एंड कल्चर के कुछ रिलेटेड न्यूज़ थी उनको देखेंगे। एक एक करके देख लेते हैं। जो डेज इसमें दिए हुए हैं, सारे के सारे डे इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पर इम्पॉर्टेंट आएगा मैं आपको बता दूंगी। पहला है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इसके साथ ही हमें ये पता होना चाहिए कि ये स्टार्ट कब हुआ। तो ये 2006 से मना रहे हैं विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेशनल जो दिवस है, नेशनल हिंदी डे, यानी नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को? 14 सितंबर 1949 को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, उसने इसको यानी हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया था। एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया 14 सितंबर 1949 को। इसलिए हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। अब हमें एक आर्टिकल भी पता होना चाहिए, आर्टिकल 343। ये आर्टिकल क्या कहता है कि जो हिंदी है, देवनागरी स्क्रिप्ट यानी देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी अलोंग विद इंग्लिश। यानी इंग्लिश भी क्या है? हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्टार्टिंग में ये कुछ समय के लिए जोड़ी गई थी, लेकिन बाद में कंटिन्यू कर दिया गया। अभी भी हिंदी और इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ध्यान रखना, हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्रीय भाषा हम हिंदी को मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई दर्जा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस। ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी आपने मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, और मेरी हिस्ट्री इतनी ज्यादा स्ट्रोंग भी नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा ज्ञान दे पाऊं। तो ये आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, और इसलिए इस दिन को चूज किया गया है। ये शुरुआत कब हुई इसकी? 2003 में। देखो, इसकी शुरुआत याद रखना आसान है। 9 जनवरी है, 3 का स्क्वायर कर लो तो 2003 याद रह जाएगा। लेकिन 2015 से पहले तो ये मनाया जा रहा था एनुअली, 2015 से क्या कर दिया? बाईएनियल कर दिया है इसे, बाईएनियल। बाईएनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार सेलिब्रेट करना। अभी रिसेंटली जो सेलिब्रेशन था वो इसका 2023 में इंदौर एमपी में हुआ, और अभी नेक्स्ट जो होगा वो 2025 में होगा। ठीक है, इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट डे हमें इधर भी दिया हुआ है, नेशनल यूथ डे। ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को एज ए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमें याद रखना है। अभी जो रिसेंट
युवा दिवस मनाया गया 2024 का, वो मनाया गया नासिक महाराष्ट्र में। विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। कई बार ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, तो ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। इसके साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिस तरह से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ऐसे ही इंटरनेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है। एंड को इंसिडेंटली उसकी डेट भी 12 है, लेकिन वो है 12 अगस्त। तो यहाँ पर कई लोगों को ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है, मैं इसको आसानी से याद करवा देती हूँ आपको। एक है 12 जनवरी, जो कि नेशनल यूथ डे है, और दूसरा है 12 अगस्त, इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, दोनों को याद रखना एकदम आसान है। देखो, जनवरी में आता है हमारा रिपब्लिक डे, और अगस्त में आता है इंडिपेंडेंस डे। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, रिपब्लिक डे है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने लागू किया है, तो ये जनवरी में आता है। दूसरा, इंडिपेंडेंस हमें कहाँ से मिली है? ब्रिटेन से, यानी ब्रिटिशर्स से हमें इंडिपेंडेंस मिली। कब मिली? अगस्त में मिली। तो जब इंटरनेशनल की बात आए तब अगस्त याद रखना है, और नेशनल की बात आए तो जनवरी। यहाँ से डेट सेम है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगस्त इंडिपेंडेंस आते ही आपको बहुत सारी कंट्रीज दिमाग में आ जानी चाहिए कि ब्रिटिशर्स से बहुत सारी कंट्रीज को फ्रीडम मिली थी, इंडिपेंडेंट हुए थे, और यहाँ पे रिपब्लिक आए, तो ये जनवरी में यहाँ राष्ट्रीय दिवस याद रख लेना। अगला है अरुणाचल प्रदेश राज्य का उत्सव पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का 9वां संस्करण 18 से 20 जनवरी 2024 तक पक्के केसांग जिले में होगा। तो यहां पर हमें हॉर्नबिल के बारे में देखना है। हॉर्नबिल, ये जो फेस्टिवल होता है, ये पर्टिकुलर एक ट्राइब को सम्मानित करने के उपलक्ष्य में बनाना शुरू किया। ये कौन सी ट्राइब है? नईशी ट्राइब। ये हॉर्नबिल पक्षी के कंजर्वेशन के लिए जानी जाती है, हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए जानी जाती है। कब शुरू हुआ? 2015 में। आपको ये भी याद रखना है कि हॉर्नबिल दो स्टेट्स का राज्य पक्षी है, एक है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है केरला। यहां पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इस तरह की स्टेटमेंट अगर आ जाए कि हॉर्नबिल केरला का राज्य पक्षी है, तो यहां पर 90% लोग इसको गलत कर देंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे चीजें होती हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल है, नॉर्थ ईस्ट में मनाया जाता है, तो केरला तो गलत ही होगा। इस तरह की स्टेटमेंट हमारे दिमाग में आ जाती है। तो आपको याद रखना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ केरला का भी राज्य पक्षी है। ठीक है, थोड़ा इसका देख लेते हैं कि ये किस तरह का पक्षी है, यानी कि किस लिस्ट में इसको कहाँ मेंशन किया हुआ है। अगर IUCN की बात करें IUCN लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। ठीक है, ऐसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है उसमें शेड्यूल 1 में और साइट्स के भी Appendix 1 में आता है। ये आपको ध्यान रखना है, IUCN में वल्नरेबल है, इस तरह की स्टेटमेंट मिल सकती है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसमें शेड्यूल 1 में और साइट्स के Appendix 1 में आती है।
अगली न्यूज़ देखते हैं। पराक्रम दिवस, प्रधानमंत्री ने 23 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में 9 दिवसीय पराक्रम दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन ये पैदा हुए थे और इनके इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। कब शुरुआत हुई? ये 2021 से इसकी शुरुआत हुई। जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके साथ ही 1930s में, यानी कि 1931 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें ये भी डिसाइड हुआ था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको सस्पेंड कर देते हैं अभी, तो ये जो दोनों चीजें थी इन दोनों के अगेंस्ट में थे। ये नहीं चाहते थे कि गांधी इरविन समझौता हो और ये जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है इसको अभी के लिए रोका जाए। इसके साथ ही ये आईएनसी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, दो बार प्रेसिडेंट बने, 1938 में और 1939 में। 1938 का जो सेशन है वो हरिपुरा में हुआ और 1939 का त्रिपुरी में हुआ। लेकिन ये याद रखना, 1939 में ये प्रेसिडेंट जरूर बने थे लेकिन इन्होंने बाद में रिजाइन कर दिया था। ठीक है, इनके प्रमुख जो नारे हैं, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो इनके नारे हैं बच्चे बच्चे को याद मिलते हैं। नेक्स्ट जो डे है वो है नेशनल वोटर्स डे। ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब से मनाया जा रहा है? 2011 से। देखो, आपने फोटोज देखी होंगी, जब भी हम वोट करते हैं तो इस तरह से फोटो लगाते हैं, तो आपको 1-1 इजीली याद हो जाएगा। 2011 से मनाया क्यों जाता है 25 जनवरी को? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन स्टेब्लिश हुआ था। ये दिया हुआ है जनवरी 1950। अब की बार 2024 में जो वोटिंग हुई, सॉरी, ये जो दिवस मनाया गया इसकी थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और इसी से प्रभावित होके अभी जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए उसमें मैंने भी वोट किया है, अभी तक तो साइन है। तो ये था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक लॉन्च की। पहली बात ये थीम याद रखनी है, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलप नेशन। ठीक है, तो ये जो दिवस है ये 1987 से मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। किन का जन्मदिन है? सीवी रमन का। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव के बारे में बताया और ये कंसेप्ट इन्होंने कब बताया? 1928 में। इसके जस्ट बाद 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। क्या मिला? नोबेल प्राइज। इनको प्रथम भारत रत्न 1954 में जो भारत रत्न का अवार्ड दिया गया तीन लोगों को, मैंने आपको पहले भी करवाया है, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और एस राधा कृष्णन। ये तीन व्यक्ति हैं जिन्हें प्रथम भारत रत्न अवार्ड दिया गया, तो उन्हीं में से एक शामिल है सीवी रमन। इन्हीं के जन्म दिवस को साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनजीओ डे, 27 फरवरी को मनाया जाता है। आपको याद रहे तो ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये 21 फरवरी को मनाया जाता है।
ये भी आपको याद रह जाए, अच्छी बात है, नहीं याद रहे लोड नहीं लेना है, आगे बढ़ जाना है। क्योंकि इस तरह के दिवस जैसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, इसको हम मेंस में जब लिखते हैं तो वहां हमारे काम आ सकता है कि ऐसा कोई कल्चरल कोई क्वेश्चन है कल्चरल उस पे, तो वहां लिख सकते हैं। अदरवाइज प्री में पूछा भी जाएगा तो मैं बोलूंगी एक आध क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं आप, सभी क्वेश्चन को याद करने की लोड ना ले। शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ न्यूज हैं, वो हम एक एक करके देख लेते हैं। ये क्लास बहुत छोटी रहने वाली है क्योंकि बहुत छोटी छोटी न्यूज है इसमें। थंका पेंटिंग, कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, थंका पेंटिंग्स। ये तिब्बतन जो बौद्ध हैं उनकी फेमस पेंटिंग्स हैं। बनती कैसे है, कॉटन या फिर सिल्क के कपड़े पे बनती है, कॉटन और सिल्क। बीच में जो भी बुद्धिस्ट डाइटीज हैं, बुद्धिस्ट डाइटी यानी कि बीच में जो भी बुद्धिस्ट डाइटी है उसका फिगर बनेगा, और चारों ओर उसके जो भी कार्य हैं, उन्होंने किस तरह के कार्य किए, उनकी लाइफ में किस किस तरह की घटनाएं हुई, उनके बारे में चारों ओर डेपिक्ट किया जाता है। और ये पेंटिंग कहाँ कहाँ फेमस है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख रीजन एंड अरुणाचल प्रदेश। यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, इसका ओरिजिन है वो तिब्बत है, ठीक है। नेक्स्ट है कदम शिलालेख, दक्षिण गोवा के काकोड़ा में महादेव मंदिर के कदम काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है। ये जो शिलालेख है कहाँ मिला है, साउथ गोवा में, किस भाषा में है, कन्नड़ और संस्कृत में। अब आपको थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए कि गोवा के जो कदम थे ये चालुक्यों के अधीनस्थ थे, यानी कि चालुक्य जो कल्याणी के चालुक्य थे, मैं फिर से आपको कह रही हूँ हिस्ट्री मेरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कल्याणी के चालुक्य थे उनके सबोर्डिनेट ये रहे हैं। और एक ही बंदरगाह देख लेना, गोपक पट्टनम बंदरगाह। आपसे आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सा प्राचीन बंदरगाह है, किस तट पर था, तो ये पश्चिमी तट पर है। ऐसे एकाध एकाध जब तट आते जाएंगे, सॉरी पट ये बंदरगाह आते जाएंगे, तो उनको आप याद कर लेंगे। एक साथ आप 10-20 बंदरगाह याद करने बैठेंगे तो वो या तो मिक्सअप हो जाएंगे या आप उनको भूल जाएंगे। तो ये कोपक पट्टनम बंदरगाह है, ये गोवा में है, किसके समय का है ये कदम, और कहां पर है ये, पश्चिमी तट पर। अगली न्यूज है, केंद्र सरकार ने श्रीमुख लिंगम मंदिर को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए अनुरोध भेजा है। ये मंदिर कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। कौन सी शैली में बना है, कलिंग शैली में बना है। कलिंग शैली है ये नागर शैली की ही एक उपशैली है। आपने आर्ट एंड कल्चर में मंदिरों की जो बनावट है उसकी शैलियां पढ़ी होगी, स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें दो तरह के मंदिर पढ़े होंगे, दो या तीन, कि नागर शैली पढ़ी होगी, द्रविड़ शैली पढ़ी होगी। द्रविड़ शैली, एक पंचायतन शैली भी पढ़ी होगी। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था किसी स्टेट पीसीएस में, आई थिंक ये हरियाणा पीसीएस में पूछा गया था कि मंदिर बनाने की इनमें से निम्नलिखित शैली है, उसमें पंचायतन आई थिंक ऑप्शन था। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नागर, द्रविड़, पंचायतन, ये शैली किससे संबंधित है, तो ये मंदिरों के निर्माण से संबंधित है, मंदिरों के निर्माण से संबंधित। इस साइड हमें राजस्थान की वो चीजें दी हुई है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से शामिल हैं। केवला देव, दूसरा है जंतर मंतर,
केवला देव ये भरतपुर में है, जंतर मंतर जयपुर में, और एक है जयपुर शहर का परकोटा, और बाकी जो हैं वो 6 किले हैं जो 2013 में यूनेस्को में शामिल हुए थे। रीसेंट जयपुर परकोटा है जो 2019 में शामिल हुआ। ये 6 जो किले हैं ये आपको याद होने चाहिए। एक छोटी सी ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं, आलू, गाजर, सॉरी आलू नहीं है ये चीकू है, फ्रूट रखना है, एक सब्जी रखनी है बाकी फ्रूट। ये मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया था, मेरी क्रिएटिविटी नहीं है ये वाली, तो मैं खुद से क्रेडिट नहीं लूंगी। गाजर, चीकू, आम, इससे आपको सारे के सारे जो किले हैं वो 6 के 6 याद हो जाएंगे। गासे, गागरोन, जैसे, जैसलमेर, और रैसे, रणथंबोर। आपको इस तरह से ये याद नहीं है, हो सकता है किसी किसी को ये याद करना भी मुश्किल लग रहा हो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चीसे, चित्तौड़गढ़, कुसे, कुंभलगढ़, और आम से बनेगा आमेर। तो टोटल कितने हो गए? 9। 6 तो किले, जयपुर परकोटा, जंतर मंतर, केवलादेव घाना, पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट न्यूज है जम्मू, डोकरी, लोक नृत्य, रोमालो राम, श्रीनगर के लकड़हारा गुलाम नबी डार, और शिमला के घायल सोमदत्त बट्टू को पद्मश्री अवार्ड मिला है। इससे रिलेटेड है ये डोगरी नृत्य से रिलेटेड है। डोगरी नृत्य है, ऐसे ही एक लैंग्वेज भी है, डोगरी भाषा भी है एक, जो शेड्यूल 8 में शेड्यूल 8 की जो 22 भाषाएं हैं उनमें शामिल है। कौन से क्षेत्र में? जम्मू एंड कश्मीर में। यहां पर महिलाएं और पुरुष दोनों मिलके करते हैं। ये एक ग्रुप डांस है। कैसा डांस है? ये ग्रुप डांस है, महिला और पुरुष दोनों करते हैं, और जो मेन लीडर होता है इस डांस में वो सिंगिंग के साथ साथ डांस भी करता है। एक यहां एक और नृत्य दिया हुआ है, गरबा नृत्य, जो मेनली नवरात्रि में किया जाता है, और ये गुजरात क्षेत्र का है। अगली न्यूज है आदि महोत्सव, ये अभी मनाया गया था। आयोजक कौन है? ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। कब स्टेब्लिश हुआ ये? 1987 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उन कम्युनिटीज के जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो वो बनाते हैं, चाहे हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हैं या और हैं, उनको मार्केटिंग प्रोवाइड करवाना। क्या करवाना? मार्केटिंग प्रोवाइड। किसके अंडर कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, ये मिनिस्ट्री भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी। ये संगीत, नृत्य और नाटक के लिए राष्ट्रीय अकादमी है। कब स्थापित हुई? 1953 में। जब ये 1953 में स्टैब्लिश हुई उस टाइम किसके अंतर्गत हुई थी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। तो हो सकता है इस तरह से स्टेटमेंट चेंज करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि जब ये संगीत नाटक अकादमी 1953 में स्टैब्लिश हुई
उस टाइम ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत इस्टेब्लिश हुई थी, इस तरह से क्वेश्चन। या फिर ऐसे दे दिया जाए कि अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत काम करती है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। जब 1953 में ये बनी थी उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत बनी थी, अभी ये काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसका जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट करते हैं और 5 साल के लिए करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मोरो धारो। ये देखो कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहां पर एक साइट डिस्कवर हुई है जिसका नाम है मोरो धारो। ये हड़प्पा युग की है, तो हमें हड़प्पा संस्कृति है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे बड़ी जो साइट है भारत में उसका नाम है राखीगढ़ी। ये हरियाणा के हिसार जिले में है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी साइट है वो है धोलावीरा, ये गुजरात में है। अब यहां पर थोड़ी थोड़ी चीजें आप देख सकते हैं कि अभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से भी पूछा जाता है कि इसकी लोकेशन बताइए। तो ये जो मोरो धारो है ये अभी न्यूज में है क्योंकि रिसेंटली इसको डिस्कवर किया है। इसके साथ ही धोलावीरा भी न्यूज में बनी रहती है, तो यहां पर इन दोनों की लोकेशन में आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि यहां धोलावीरा है और यहां मोरो धारो, तो आपको ईस्ट वेस्ट याद रखना है। ईस्ट में मोरो धारो है और वेस्ट में कौन सी है, धोलावीरा। इससे रिलेटेड फैक्ट्स इसमें दिए हुए हैं, आप इससे पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मैं बोल सकती हूँ। आप 1-2 स्टार तो इस पर लगा सकते हैं क्योंकि आपकी ये हिस्ट्री में भी पार्ट, तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे वहां पर देख लेना कि प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। फिर इसमें जैसे नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट वेस्ट, ये सबसे नदन मोस, सदन मोस, जैसे दैमाबाद है, मांडा है, तो आप ये कर लेना। नेक्स्ट है रानी चेन्नम्मा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रानी चेन्नम्मा के विद्रोह को पूरे 200 वर्ष हो गए हैं। ये विद्रोह कब हुआ था, 1824 में। कब हुआ, 1824 में। हम नॉर्मल देख लेते हैं कि रानी जो चेनम्मा थी इसकी शादी हुई थी आई थिंक 1816 में हुई होगी, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। इसकी शादी हुई कित्तूर के राजा से, ठीक है। इनकी शादी के बाद इनका एक बेटा था, जैसे ही शासक की मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद बेटे ने शासन संभाला, लेकिन कुछ टाइम बाद बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम, लॉर्ड डलहौजी के समय यानी 1848 से 1856, इनके समय एक डॉक्ट्राइन आई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको हड़प की नीति बोलते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय में 1848 में आई। सतारा को सबसे पहले हड़पा था और उसमें हमारा उदयपुर भी शामिल था। उदयपुर का ईयर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि इसको कब हड़प किया। तो यहां पर 1848 में ये नीति आई और इस नीति के अनुसार क्या था, यदि कोई भी राजा है वो बिना हायर के यानी बिना उत्तराधिकारी के उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो दत्तक पुत्र यानी अडॉप्टेड सन को राजा नहीं बना सकते और उनके राज्य को हड़प लिया जाएगा, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो ऐसे इनके बेटे की जब मृत्यु हो गई तो इन्होंने एक सन अडॉप्ट किया और उस सन को ब्रिटिशर्स ने नहीं माना,
तो उसी के खिलाफ क्या हुआ, कितूर का विद्रोह हुआ। इसमें रानी चेनम्मा है वो बहादुरी से लड़ी। इनकी जो टैक्टिक्स थी, गुरिल्ला जो वॉरफेयर टैक्टिक्स होती हैं उसमें ये बहुत माहिर थी, और इन्होंने 1824 में अंग्रेजों को एक बार हरा भी दिया था, लेकिन लॉन्ग टाइम तक रेजिस्ट नहीं कर पाई ये, और इसके बाद इनको कैद कर लिया। और कैद करने के दौरान ही 1829 में इनकी मृत्यु हो गई। 2007 में इनके नाम पर भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया था। और अभी रिसेंटली जो ये युद्ध है कितूर का विद्रोह, इसको 200 साल हो गए, क्योंकि 1824 में हुआ था, अभी 2024 चल रहा है, ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट था, और आज की क्लास है वो इतनी ही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं थे, हमने डेज देखे हैं इम्पोर्टेंट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आपको पढ़ते रहना है। थैंक यू।